मैं अभी आपको टाइम बताने जा रहा हूँ, अभी कितना टाइम। हाथ है देगा ना, कान है बात सुनेगा, ना पाँव है कल। कैसा भगवान है फिर, चार धाम से सबसे बड़ा भगवान क्यों। लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ पुरी, और पीछे देखिए भाई, ये जो पीछे जो टूटा हुआ मंदिर देख रहे हैं ना, यही था गर्भगुड़ी, गर्भगृह मेन टेम्पल सूर्य मंदिर। ये होता है प्रार्थना मंदिर, भगवान जो उसको बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं गर्भगृह। ये मंदिर इनसे और ज्यादा ऊंचा था, ये 127 है, 127, ये था 227। ये 37 मीटर था, वो 70 मीटर था। ये पूरी गिरने का बात तो अभी 90 फीट है, 140 फीट पूरा आसपास में टूटा है, और अंदर की मूर्ति को निकाल के यहाँ लगा दिया। ये जो काले वाला मूर्ति देख रहे हैं ना, ये थे सूर्य भगवान का मूर्ति, मध्यान सूर्य, प्रभात सूर्य, मध्यान सूर्य, अस्तगामी सूर्य, तीनों मूर्ति थोड़ा अलग अलग इसका फेस का भाग है। प्रभात सूर्य सुबह से नहाने के बाद में चूल को बांधा हुआ बच्चा जैसा मालूम हो रहा है, पूरा एकदम फेस जी। उनका पीछे जाके दिखाऊंगा, मध्यान सूर्य मूर्ति एक ही है, देखने से एक जैसा है। 12 हो गया, ज्यादा रोशनी चलाया, सिर की में टोपी, मुंह का भाग थोड़ा गंभीर है, इसलिए इसको हमने बताते हैं जुबक। अस्तगामी सूर्य दिन भर के घूम घूम के भगवान जैसा थक गया है, इसलिए घोड़े कुरे बैठ के और घर पर चला है, इसलिए इसको बोलते वृद्ध। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि करता, पालन करता एवं संहार करता, सूर्य बोलते सकल शक्ति। यही पहिया फोटो अभी आप लोग को जो भारत सरकार RBI जो 10 की लोट निकाला ना, इनके पीछे ये पहिया का फोटो है, 10 की लोट के पीछे। अच्छा ये देखिए, ये जो दोनों आधे वाला कपल का मूर्ति टूट गया ना, ये दोनों थे राजा और रानी, जो राजा ने मंदिर को बनाया था। राजा का नाम बोलते नरसिंह देव, रानी का नाम बोलते भानुमती, नरसिंह देव, रानी का नाम बोलते भानुमती। उसकी दाने बगल में और एक फोटो देखो, पेड़ के नीचे हाथी के ऊपर में राजा रानी दोनों बैठा है, दोनों जैसा किया था अफ्रीका घूमने के लिए। अफ्रीका आदमी यहाँ पर खड़ा होके हमारे राजा को स्वागत करके, उनकी जो राष्ट्रीय सिंबल है ना अफ्रीका, क्या होते हैं जिराफ, आप देख रहे हैं जिराफ मूर्ति है ना, इसके मतलब 800 बैक दैट टाइम ऑल्सो रिलेशन, उसी टाइम से उनका साथ में हमारा दोस्ती भी चलती थी। एक ही राजा है भारत में, एक राजा है, ये होते पुरी में। पुरी में जब राजा नहीं होगा ना, जगन्नाथ जी पूजन असंभव है, इसलिए अभी का जो राजा है ना, इसका नाम है दिव्य सिंह देव, ऐसा गंगा डायनेस्टी, बिना राजा से जगन्नाथ जी पूजा होगा नहीं। और ये जो राजा है ना, जगन्नाथ जी को छोड़ के किसी को प्रणाम करते ना, हो प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी को तो प्रणाम नहीं किया था, वो केस ठोका था, बोला एक राजा है लेकिन हमको प्रणाम नहीं। अपना घड़ी अपने पास में रखिए, मैं अभी आपको टाइम बताने जा रहा हूँ, अभी कितना टाइम। ये जितना पहिया है ना, चक्र है ना, जो पहिया का सूर्य का रोशनी होगा, इसका अंदर में हम लोग टाइम निकल देता हूँ। कैसा ना, पहिया का नाम ऐसा 8 लाठी है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी मतलब होता है अष्ट प्रहर। पुराना जमाने में 3 घंटा का एक प्रहर बोलते थे, जब सुबह से यहाँ सूरज निकलेगा, सूर्य का पहले का रोशनी वो लाठी तक आएगा, उनकी परछाई यहाँ तक जाने से सुबह 6 होगा। जब सूरज धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा, उनकी परछाई जब यहाँ तक आएगा, तो हम बोलेंगे 9 बज गया। सूरज मत्था कपड़ा होगा 12, सूरज पीछे जाएगा 3, ये शाम को 6, 3 घंटे का हाफ 6, 7.5, 9, 10, 12, 3, 4, 6 मिनट, यहाँ से इतना तक वो 60 बॉल है, यहाँ से यहाँ 60 बॉल है, एक बॉल हो गया 3 मिनट, 60 बॉल हो गया 180 मिनट। पहले मैंने सेंटर में रखा ये बॉल को, यहाँ देखो मेरा छावा कहाँ तक जाता है, ओके। वही बॉल है ना, ताले यहीं से मैं गिन रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ 9 बॉल हो गया, 9 तरीक 27, 3 बजने के लिए 27 मिनट बाकी है, अभी 2:33 मिनट इज लोकल टाइम नाउ, कंटिन्यू 2 मिनट डिफरेंस होगा। हमें पेन लेने का बाद में थोड़ा कैसा होगा ना, जब सुबह सूरज निकलेगा, रोशनी यहाँ तक आएगा, उनका परछाई यहाँ जाएगा, सुबह 6,
जब धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा यहाँ तक आएगा 9, सूरज मत्था का पड़ने से 12, जब पीछे जाएगा 3, शाम को 6, 3 घंटे का हाफ 6, 7.5, 9, 10.5, 3.5, 4, 6 और यहाँ से इतना तक 60 बॉल, एक बॉल हो गया 3 मिनट, 60 बॉल 180 मिनट। देखा था प्रभात सूर्य, प्रभात सुबह का, ये था दोपहर का, 12 बजने टाइम ज्यादा रोशनी चला है, इसलिए इसका सिर के ऊपर टोपी है, हेड टू हेड गैप, इसलिए इसको बोलते यंग, ये होते यंग युवक होते हैं। अस्तगामी सूर्य थका हुआ भगवान घोड़े को बैठ के कपते हैं और एकदम ध्यान से सुनिए, यहीं से 12 पहिया खत्म हो गया, हमने देख लिया, ये 12 का नाम होता है शुक्ला पक्ष, सूर्य का रोशनी आए, अभी हम इस तरफ जाएंगे जो 12, कोई पहिया का ऊपर में एक थोड़ी सी सूर्य का रोशनी नहीं है, इसके मतलब ये तक किस तरफ रात को जो चांद आएगा ना कोई मंदिर। अब देख रहे हैं घर के अंदर में जो लेडीज की फोटो देख रहे हैं, लेकिन इस तरफ जो लेडीज है ना ये कम उम्र की होगा, जो कमर में हाथ लगाया ना वो ज्यादा उम्र की होगा, इसलिए अपना गाइड सुभाष ने, मेरा नाम सुभाष है, ये दोनों मूर्ति को नाम रखा है मैंने, दोनों थे सांसर गोल श्रवण कुमार, ये श्रवण कुमार है जो अंधा पिता माता थी ना वो कावड़ में लेके जा रहे हैं, रामायण था नहीं, रामायण यहीं से सृष्टि हुआ, वो साप दिया था ना दशरथ को जो मारा था ना, वो बोला तो तू जैसा मेरा बेटा को मारा ना, तू जो मरेगा ना तेरा पास में कोई नहीं रहेगा, किसी पहिये का अंदर में है लाइट नहीं, वो जैसा अंदर में लाइट है उसको कभी नहीं आता लाइट में, मून का लाइट है। अस्तगामी सूर्य वृद्ध अवस्था जैसा देखो, उसको थकन भाव में देखो, इसके फेस में कितना थका हुआ, और इसलिए घोड़े को मैंने बैठ के घर पर चलने, अस्तगामी पहले प्रभात, बीच वाला मध्यान ये होता है अस्तगामी, और ये देखो लोटस का डिजाइन, वो जो टूटा हुआ पहिया का ऊपर हिस्सा मंदिर का हिस्सा देखो, ये मंदिर पूरे कोमल के ऊपर में बनी हुई थी, डिजाइन कोमल का फूल था, और इस समय 4 मंदिर है, शंख चक्र गदा पद्म, जगन्नाथ जी हो गए विष्णु भगवान, विष्णु भगवान था शंख क्षेत्र, ये शंख जैसा बने है, लिंगराज जी भुवनेश्वर शंकर भगवान चक्र, कटक जाजपुर बिरजा टेम्पल गदा, एंड ये हो गया कोमल। अच्छा जगन्नाथ जी दर्शन हुआ तो सर, कितना मूर्ति यहाँ पर है जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी बलराम जो बोलते हैं कितना मूर्ति है, ये तीनों का हाथ है सर, मांगने से देगा, हाथ तो नहीं है देखे कैसा, अच्छा ये तीनों का कान है, कान है नहीं सर, कान नहीं है, कान भी नहीं है, आप कुछ बोलने से वो सुनेगा नहीं, इसका टांग है, इसका टांग है, बुलाने से आएगा नहीं, कैसा भगवान कैसा है भगवान, नहीं नहीं ना हाथ है देगा, ना कान है बात सुनेगा, ना पाँव है, कल कैसा भगवान है, जो भगवान को हमने इतना कष्ट उठा के 1000 किलोमीटर दूर से आया है, उसको जब मांगता हूँ बोलते तू मुझे थप्पड़ लगा, खुद तू देख रहे आंख से मेरा का हाथ नहीं दूंगा कैसा, कोई तकलीफ बात मेरा पापा मामा को नहीं बताया, जब उनको बोलेगा बोलेगा देख मेरा कान नहीं सुनता नहीं है, मैंने कहा एक गड्ढा में गिर गया, ये मनुष्य को बोलता हूँ भैया थोड़ा उठाओ, वो बोलते मेरा ऑफिस टाइम हो गया मैं चला गया, वो भाग गया, जब प्रभु को बुलाता हूँ बोलते मेरा टांग नहीं जाऊंगा कैसा, चले हु इज गॉड सर, फिर चार धाम से सबसे बड़ा भगवान क्यों, हु इज गॉड, ये मनुष्य मरने का बात में कितना जन्म का बात में सम, और दोबारा के मनुष्य का जन्म 84 लाख जन से श्रेष्ठ जन्म कौन है, मनुष्य, राम जी कौन है, मनुष्य, कृष्ण जी कौन है, मनुष्य, आखिर यात्रा में क्या बोलते हैं राम नाम, इसलिए जगन्नाथ जी अपना हाथ को अपना कान को अपना पांव को खुद काटा है, ये बोला मैंने तुझे 84 लाख जोनी घुमा के तुझे एक सबसे अच्छी जन्म दिया, राम और कृष्ण और मनुष्य जन्म, इतनी अच्छी जन्म लेने का बात नहीं, तू कितना बुरा कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं, इसका आंख कैसा है, गोल है ना, गोल कभी बंद होते हैं, 24 घंटा खोला, मैं 24 घंटा आंख को खोल कर रख रहा हूँ, तू जितना बुरा करेगा तू होगा बुरा, तू जितना अच्छा करेगा तू होगा अच्छा, तू आत्मा मैं परमात्मा, इसलिए जगन्नाथ जी को आप लोग को देखेंगे सब आदमी पूरा हाथ उठा के प्रणाम करते, हाथ नहीं है जुड़ के ऐसा बोलते, प्रभु जी ये मिट्टी के शरीर को तुमने भी जाए, ये मिट्टी को शरीर को तुमने भी जाए, ये कलयुग में कितना किसको पाप बोलते किसको पुण्य बोलते मुझे मालूम नहीं है,
आया हूँ तेरा दरबार में, जितना पाप पुण्य है सब दोनों को ले लो, फिर छोड़ दो कलयुग में, फिर जितना पाप पुण्य होगा मैं तुझे दे दूंगा। इसलिए जगन्नाथ जी 84 लाख जो नहीं घूमते हैं, 84 लाख जो नहीं होते ना मनुष्य, देखो कैसा 84 लाख जो नहीं होते। जगन्नाथ जी का विष्णु भगवान, विष्णु भगवान जो रात में जाता है ना, इसका नाम होता है ताड़ ध्वज। इसलिए बलराम जी जो पटेंगे ना ताड़ ध्वज, इसका 16 पाया। बलराम जी जगन्नाथ जी जो पटेंगे ना, ये 14 ब्रह्मांड का अधिकारी, 14 पहिया और 12 महीना का प्रतीक सुभद्रा, इस क्रिएटर 16, 14 और 12 कितना होगा, 16, 14, 30, 12, 42 दिया 42 चक्र। 9 दिन दूसरा मंदिर में मासी का घर में ठहरा और फिर वही रात में बैठ के अपना मंदिर को चलाया, गया 42 एंड निकला 42 कितना हो गया, 84। एक मनुष्य मरने के बाद 84 लाख जन को ये थे, 84 लाख जन का यात्रा, ये होते श्रेष्ठ जगन्नाथ। तब पत्थर आने का तरीका था बैलगाड़ी, गोरु गाड़ी है, देखो गोरु गाड़ी के ऊपर में 3 पत्थर है ना, और सामने देखो 2 गोरु भी खड़ी है, वो बीच रास्ते में वो खाना बना रहे हैं। टूटा फूटा पत्थर है असली सूर्य मंदिर का, यहाँ है वो जंगल के अंदर में कुछ रखा है और कुछ म्यूजियम में लगा दिया। ग्रेनाइट पत्थर देख रहे हैं, ग्रीन ग्रेनाइट का, उसके छात के नीचे देखो काले वाला 2 पीस देख रहे हैं, ये तो लोहे का बीम। हम लोग पुराना जमाने में वो पहले लकड़ी का बीम देती थी, अभी हम लोग कंक्रीट बनाते हैं, लेकिन 800 साल हो गया बीम, अभी देखिए कोई रॉस्ट नहीं है लोहे का। समुद्र नजदीक होने का बात में जंग नहीं, इसकी मतलब 86% कास्ट आयरन। डाइनिंग टेबल फोल्डिंग चेयर जैसा है ना, देखिए सामने से चम्मच ले खाना खा रहे हैं। ये देखो कितना पीस, पहले छोटा छोटा पीस किया, 15-20 को इकट्ठा किया, वो देखो हम्बर का निशान पिट पिट के बने। तो भाई मंदिर से तो हम लोग आ चुके हैं, आपको इसकी ज्योग्राफी लग गई पता, और अब बन रहे करवा कर दिन के लंच के लिए। वे ऑफ बंगाल के साथ साथ हम लोग चल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन जगन्नाथ पुरी के लिए, और पुरी जाते हुए जो कोणार्क से रास्ता है वो बहुत ही प्यारा है भाई। एक तरफ को आपको समुंदर दिखता है और बीच में थोड़ा सा जंगल भी आता है, और एक दो पॉइंट भी है जिन्हें हम लोगों ने नहीं किया। फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जगन्नाथ पुरी, और पीछे देखिए भाई ये है जगन्नाथ पुरी। तो भाई कल करेंगे दर्शन, और इसी के साथ में अपना होटल है, यहाँ थोड़ा काम चला हुआ है भाई, ये पता नहीं शायद मंदिर का ही काम चल रहा हो, कोई आइडिया नहीं है इस बारे में।